अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज शहजाद मकसूद। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन YouTube चैनल टेक्निकल हब। आज की फ्रेंड वीडियो में हम Realme V15 को डिस्कस करने वाले हैं और Realme अपनी V सीरीज के साथ में 2021 में लॉन्च होने जा रहा है। और जैसा कि 2020 में भी Realme मोस्टली अपनी डिवाइसेस को 5G चिपसेट्स में प्रोवाइड करता था, और इसी तरह ये सीरीज में भी आपको 5G चिपसेट्स देखने को मिल जाएंगे और मिड रेंज प्राइस टैग में एंट्री लेवल स्मार्टफोन भी आपको 5G मिल जाएंगे Realme के। सो चाइना में तो Realme V15 एट प्रेजेंट अवेलेबल है प्री ऑर्डर्स के लिए, और आई थिंक 7 जनवरी यानी कि कल के दिन इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग भी होने जा रही है। सो जल्दी ये पाकिस्तानी मार्केट में भी एडवाइस एक्सपेक्ट की जा रही है। सो आज की वीडियो में हम Realme V15 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्पेसिफिकेशंस को देखने वाले हैं और एट द एंड इसका प्राइस टैग भी देखेंगे। सो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप जो दोस्तों हमें से चैनल बने हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना वक्त जाए कि हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर इसके हम कैमरा सेटअप को डिस्कस करें तो एक बेस्ट कैमरा सेटअप इस डिवाइस में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, सेकेंड लेंस 8 मेगापिक्सल का होने वाला है, थर्ड वन 2 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और आखिरी कैमरा भी 2 मेगापिक्सल का होने वाला है। साथ में आपको एक LED फ्लैश भी बैक पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर इसके फ्रंट की बात करें तो 5/16 को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। सो आई थिंक के बेस्ट सेल्फी कैमरा होने वाला है, साथ में HD रेजोल्यूशन का ऑप्शन भी अवेलेबल होने वाला है। आगे बढ़े तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम इस डिवाइस में प्रोवाइड किया जाएगा। 2.2 GHz ऑक्टाकोर की स्पीड इस डिवाइस में होने वाली है और साथ में आपको डायमेंसिटी 800U जो 5G चिप इस डिवाइस में प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि स्टार्ट पर डिस्कस कर चुका हूँ कि आप Realme की मोस्टली डिवाइसेस में आपको 5G चिप्स प्रोवाइड किए जाते हैं और ज़्यादातर ये चिप्स हैं MediaTek Dimensity के ही चिपसेट्स हैं। सो आगे बढ़ें तो सुपर AMOLED टच स्क्रीन इस डिवाइस में होने वाली है, जिसका साइज 6.5 इंचज होगा और ये डिस्प्ले आपको 1080x2400 पिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। इंटरनल स्टोरेज को डिस्कस करें तो अभी तक सिंगल वेरिएंट ही इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यही वेरिएंट चाइना में अवेलेबल है। सो पाकिस्तानी मार्केट में भी यही वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा जो कि 8GB ऑफ रैम 128GB ऑफ रोम वाला वेरिएंट है। सो आई थिंक इस प्राइस टैग का ये इंटरनल स्टोरेज होने वाली है। रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट इस डिवाइस में पैक किया जाएगा। सो यहाँ पर क्योंकि AMOLED पैनल है, सो अगर यहाँ पर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट प्रोवाइड किया जाता तो आई थिंक इस प्राइस टैग की ये बेस्ट पार्ट होना था। सो खैर आगे बढ़ें तो आप अगर इसकी हम बैटरी को डिस्कस करें तो 4500mAh की बैटरी इस डिवाइस में पैक की जाएगी। साथ में 50W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी अवेलेबल होने वाली है। तो बैटरी लाइफ थोड़ी सी कम है, एवरेज है, लेकिन साथ में क्योंकि आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट अवेलेबल होने वाली है सो कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं होने वाला। तो आप एट द एंड अगर हम इसकी प्राइस को डिस्कस करें तो ये मिड रेंज प्राइस टैग में एक्सपेक्ट की जा रही है। तो पाकिस्तानी मार्केट में इसका प्राइस टैग अराउंड 48,000 होने वाला है। सो ओवरऑल एक अच्छी डिवाइस होने वाली है। यू कैन से के आपको इसका अगर इस प्राइस टैग में आप कोई भी डिवाइस लेना चाहते हो तो इस डिवाइस का आपको वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का एक अच्छा कैमरा सेटअप 5G चिपसेट के साथ में ये डिवाइस आने वाली है। फास्ट चार्जिंग और इंटरनल स्टोरेज भी इस डिवाइस में अवेलेबल होने वाली है। सो ये थी आज की वीडियो, मैं करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो यार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक ले जा दीजिए, जिसमें शहजाद मकसूद। अल्लाह हाफिज़।